राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी होली, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं है होली की। तो दोस्तों, मैंने पूजा का सामान आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था कि क्या क्या लगता है। तो हमारे यहाँ होली के दिन पुए इस तरह से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी पुए बना ली हैं, ये रेडी हो चुकी है। ये हम भोग में होलिका को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमने हमारी पूरी पूजा की सामग्री रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो आप चलेंगे हम पूजा की तरफ। तो इस तरह से सारी चीज़ें बता देती हूँ, एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारे पुए बनाए थे, बाकी पूजा जो सामग्री है सेम वही है जो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। आप भी सभी को मैं दोबारा से दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बतासे वगैरह ले लेने हैं, कलावा ले लेना है और दीपक ले लेना है, माचिस जरूर से घर से लेकर जाएं। तो इस तरह से कई लोग कलावा और मोली कच्चा सूत मिलाकर फिरा लेते हैं, और कहीं पर इस तरह से चीनी और आटा जरूर से लेकर जाया जाता है। तो इस तरह से हमें सामग्री ये तैयार करके लेके जानी है। दीपक है, घी का दीपक है, फूल है और बेर हैं, बेर अर्पित किए जाते हैं, जौ की बालियां भी होती हैं। इस तरह से कलावा ये सब, ये हम दो परिवार जन जा रहे हैं पूजा करने, अलग अलग रहते हैं। तो इस तरह से हम सभी चंदन रोली, हल्दी, कुमकुम, घी का दीपक, ये होली का रंग, ये सब कुछ हम लेकर जाएंगे। हल्दी ये भी लेकर जा रहे हैं। और इस तरह से जल का लोटा हम तैयार कर लिए हैं। इस तरह से मैंने टीक लिया है लोटे को भी, और हम जा रहे हैं होलिका की तरफ पूजन करने के लिए। सब कहते हैं कि हमें किस प्रकार से होली का पूजन करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जैसा होता है मैं वैसा पूजा विधि आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जहाँ पर आपने पूजा करनी है उस जगह को गंगा जल जो जल लाए उसे शुद्ध कर लें, और हम यहाँ पर शुभ चिन्ह बना देंगे। मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना हूँ, आपको जो भी शुभ चिन्ह आता हो बनाने वो आप बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाना बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि हम गणेश जी को मन ही मन आवाहन करते हैं, उन्हें विराजमान करते हैं, फिर हम होली की पूजा स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैं लीप लूंगी, स्वास्तिक बना ली हूँ। इस तरह से मैं 5 बड़कुल्ले लेकर आई थी। सुबह के समय में हमें 5 बड़कुल्ले रखकर ही पूजा करनी होती है। तो इस तरह से बड़कुल्ले की पूजा करेंगे। अगर आपके पास बड़कुल्ले नहीं है तो आप यहाँ गोहे उपले भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं जौ की बालियाँ रख रही हूँ, 5 संख्या में 5 रख रही हूँ, और भोग लगाने के लिए गुड़ का भोग लगा रही हूँ। और जब तक हम होली का पूजन करते हैं तब तक व्रत रखा जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता। तो इस तरह से चंदन रोली से तिलक कर लेंगे। यह पूजा 10 से 11 बजे तक के करीब पूजन होली किया जाता है, या फिर किसी को कहीं जॉब वगैरह पे जानी होती है तो इस पूजा को जल्दी से जल्दी करना होता है। तो इस तरह से मैं गुलाल अर्पित कर दूंगी। होली के रंग भी जो भी आपके पास उपलब्ध हों वो आप अर्पित कर सकते हैं, और पुष्प अर्पित कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यह पूजन जल्दी से कर लिया जाता है, देवताओं पर जाना होता है। तो इस तरह से हमें पूजन जल्दी करना है। जो पुए चढ़ाए थे वो बनाए थे वो भी हम भोग में अर्पित कर देंगे इस तरीके से, और घी का दीपक जला लेंगे। जिस जगह आप पूजा करेंगे उस जगह को शुद्ध कर लेना होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। जो ये हमारी होलिका है ये चौराहे पर है, तो हमें यहाँ पूजा जल्दी जल्दी करनी होती है। हम आसन लगाकर पूजा शांति से नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से जल्दी जल्दी पूजा करनी होती है। जो मैंने होली में बरकुले बनाए थे उसमें नारियल भी बनाया था, तो ये मैं यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ। अब इसके बाद हम होलिका की पूजन करेंगे। तो इस तरह से हम होलिका को भी चंदन रोली से तिलक कर देंगे। ये पूजन हमें जल्दी जल्दी करना होगा, तो इस तरह से कर लेंगे। और हम यहाँ पर आसन लगाकर तो बैठ नहीं सकते, तो इस तरह से हम होलिका को भी रंग गुलाल अर्पित अक्षत सब गेहूँ अर्पित कर देंगे। तो फूल की मैं माला लाई थी वो भी मैं यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से होली के रंग जो भी हैं आपके पास वो सब होलिका जी को अर्पित कर देंगे। धूप दीप दिखा देंगे। आटा जो लाई थी वो आटा भी मैंने यहाँ पर अर्पित कर दिया है। गुड़ का भोग लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ पर मैं रख दूंगी होलिका में। तो इस तरह से रख देते हैं। जो लेडीज़ होती हैं हमारे यहाँ पर, लेडीज़ को सुबह ठंडी होली का पूजन किया जाता है, और जो गर्म होली होती है वो जेंट्स पूजते हैं, और अग्नि होलिका को अग्नि जेंट्स ही देते हैं, और शाम के समय गेहूं की बालियां, जौ की बालियां भून कर लाते हैं। तो इस तरह से हमें पूजन करना होता है। आप कलावा ले सकते हैं, और कहीं कहीं पर दीपक होलिका के सामने नहीं जलाया जाता। अगर आपके यहाँ नहीं जलाया जाता है तो आप ना जलाएं, हमारे यहाँ जलाया जाता है। तो दीपक मैंने इस तरह से जला लिया था और मैंने आपको बता दिया है। अब मैं धागा जो कलावा लिया है मैंने और जल का लोटा लिया है, साथ में फेरी देंगे। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से 5-7
या फिर 11 परिक्रमा लगा सकते हैं और प्रार्थना करेंगे मन ही मन में कि हे होलिका माता, हमारी प्रार्थना पूजा स्वीकार करें और घर के जो सदस्य हैं सभी की होली सुख शांति से बीते, ठंडी जाए, इस तरह से हमें प्रार्थना करनी होती है। रोग शोक किसी को ना हो, इस प्रकार से दुख कष्ट ना आए, जो जल से हम होली को ठंडा करेंगे। आपके यहाँ होली कैसा पूजन किया जाता है वो मुझे जरूर बताना और पूजन करेंगे और हम यहाँ पर 5 या 7 परिक्रमा लगाएंगे। तो ये मेरा बेटा भी आ गया है, जल अर्पित कर रहा है, कहता है मैंने भी पूजा करनी है। तो इस तरीके से वो भी पूजा में सम्मिलित हो गया। कहते हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं हमें अपने बच्चों को सम्मिलित जरूर से करना चाहिए, उन्हें हमें अपनी संस्कृति अपनी पूजा पाठ से अवगत कराना चाहिए ताकि वो हमारी संस्कृति को आगे तक लेकर जाएं। पूजा पाठ को सनातन धर्म में बच्चों को हर पूजा में शामिल जरूर से करें। तो इस तरह से बच्चों ने भी परिक्रमा की है और मैंने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिया था। ये गुलाल भाभी हैं, ये भाभी भी गुलाल अर्पित कर रही हैं इस तरह से फूल में लगा करके, और इस तरह से हमें पूजा करनी है। और आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हवन सामग्री होलिका में डाल सकते हैं, कपूर की पूरी पैकेट, हवन की सामग्री, आम की सूखी लकड़ियाँ डाल सकते हैं। आप चाहें तो फ्रूट की माला भी बच्चों को इस तरह से पहना सकते हैं, टॉफी वगैरह की। तो कुछ दक्षिणा है ये मैं होलिका में अर्पित करूँगी, पूजा के पास रख दूंगी। और इस तरह से हमें जल से मिनसना होता है, आप यहाँ 5 या 3 बार इस तरह से मिनस सकते हैं। मिनसने के बाद होलिका से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा धूप दीप स्वीकार कर लें और पूजा में रही कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो ये थी हमारी पूजा, बिल्कुल सरल सी विधि। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा। और ये गुलाल है, बच्चों ने लगा लिया और ये मैं जोंकी वाली होलिका के पास रख रही हूँ। और इस तरह से बड़कुल्ले की माला है, आप ये शाम को भी चढ़ा सकते हैं या फिर अभी भी चढ़ा सकते हैं। तो जल का लोटा हम बचा कर लाए थे, पानी वो हम चौखट के आसपास डाल देंगे। तो इस तरह से हम ये भाभी जी गिरा रही हैं जल, थोड़ा सा जल चढ़ा रही हैं। तो इस तरह से अब मैं चढ़ा रही हूँ जल, हम यहाँ पर जल चढ़ा देंगे और यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। कहते हैं कि अगर हम बाहर पूजा करने जाते हैं, विशेष पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद हमें घर के बाहर चौखट पर जल डालना होता है, अक्षर डालना होता है, साथ में स्वास्तिक बनाना होता है। स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है, तो आप भी इस प्रकार से स्वास्तिक जरूर से बनाएं। हमारे यहाँ पर इसी तरह से बाहर पूजा करके आने के बाद जल और स्वास्तिक इस तरह से बनाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना रही हूँ, आप भी बनाएं। और ये शुभ चिन्ह होता है, बेहद ही शुभ होता है और इससे घर में सुख शांति रहती है, घर में नजर दोष नहीं लगता है। तो इस तरह से स्वास्तिक मुख्य द्वार पर जरूर से बनाएं, जहाँ पर आपका घर का एंट्री होती है। कहीं कहीं थापा भी लगाया जाता है हल्दी कुमकुम और रोली से, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और जो कलावा हम होली में लेकर गए थे पूजा करने के लिए, तो वो कलावा हमें अपने बच्चों के हाथों पर बांधना होता है, इसका विशेष महत्व होता है। जैसे भगवान प्रहलाद को रक्षा की थी, तो इसी तरह से ये कलावा बांधने से हमारे परिवार जन में भी सुख शांति रहेगी। और तिलक लगा देंगे, आप यहाँ चंदन का तिलक, हल्दी कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं और वैसे घर के सभी सदस्यों के हाथों पर हल्दी कुमकुम और कलावा तिलक कर देंगे और कलावा बांध देंगे। जिस तरह भगवान ने सभी की रक्षा की थी, प्रहलाद की रक्षा की थी, सेम वैसे ही हमारे घर की, हमारे संतान की रक्षा करेंगे, सभी परिवार सदस्य की रक्षा करेंगे। तो ये मैं अपने बेटे को भी तिलक लगा रही हूँ, आप भी लगाएं। और बच्चों इस दिन रक्षा सूत्र होली के दिन बच्चों की कलाई पर, घर के सभी सदस्यों पर, ये मैं अपने हस्बैंड के हाथों पर भी बांध रही हूँ, इस तरह से सूत्र बांध देंगे। ये बांधना बेहद ही शुभ होता है, ईश्वर की रक्षा करते हैं। आई होप आपको यह पूजा पाठ बिल्कुल सरल विधि आपको पसंद आई होगी। अगर जरा सा भी आपको अच्छी लगी जानकारी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को हैप्पी होली।